गोरखनाथ थाना क्षेत्र के धर्मशाला ओवर ब्रिज के पास स्थित सब्जी मंडी में रविवार को अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई। इस दौरान सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किराना की 5 दुकानें जलकर खाक हो गईं। काफी मात्रा में सब्जियों का भी नुकसान हुआ है। लाखों रुपये के सामान भी जलकर खाक हो गए हैं। सभी दुकानें रेलवे परिक्षेत्र में थीं। जिला अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह ने बताया कि लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, किंतु जनहानि नहीं हुई है। अभी सही आकलन नहीं किया जा सकता। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए जिला अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह ने बताया, अरे पहले हेल्प से चलो उधर भागो, चलिए उधर भागो, प्रेशर बनवाइए। अरे इधर का है आ रहे हैं। धर्मशाला पे 9:20 पे आग की सूचना मिली थी, जिसमें वहां पे एक गाड़ी तुरंत स्थान हुई। आग वहां पे किराना की दुकानों में फैली थी, जिसमें 3 दुकानों में फैल चुकी थी। तो गाड़ी तुरंत तत्काल बुझाना शुरू हुई और फायर स्टेशन गोलघर से और गाड़ियों की मांग की गई। कुछ ही समय में 3 गाड़ियां और मौके पर पहुंच गई। 3 गाड़ियों की मदद से आग को चारों तरफ से घेर के कंट्रोल करके पूर्ण से बुझा दिया गया। आसपास को आग को फैलने से पूरी तरह से रोक लिया गया। फायर सर्विस पहुंचने से पहले जो आग फैली थी उसके बाद नहीं बढ़ पाई, नहीं तो आसपास और भी दुकानें लगी थी। उनको पूछताछ सुरक्षित बचा लिया गया, कोई जनहानि नहीं हुई। जिसमें 3 दुकानें जली थी, एक अनिल किराना स्टोर, एक सूरज किराना स्टोर और एक श्री काका प्रोविजन स्टोर और एक छोटी सी सब्जी की दुकान थी, जो विभाग के संबंध विभाग पहुंचने से पहले थी। उसके बाद पूरी तरीके से उनको कंट्रोल कर लिया गया और सुरक्षित बचा लिया गया, बाकी से पूरी मंडी को, पूरी मार्केट को।